हेलो फ्रेंड्स, मैं एरम अलमास। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि हम मेमोरी की साइकोलॉजिकल डेफिनेशन आपके सामने पेश करें, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी कि मेमोरी होती क्या है। ओके, ऐसा माना जाता है कि जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जब भी किसी लर्निंग मटेरियल को हम लर्न करते हैं, तो उस टाइम हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल और फिज़िकल चेंजेस होते हैं। इस चेंजेस की वजह से हमारे ब्रेन में मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं। इन मेमोरी ट्रेसेस का दूसरा नाम इनग्राम, या आप कह सकते हैं कि न्यूरोग्राम भी है। ठीक, ये भी माना जाता है कि ये मेमोरी ट्रेसेस जितने ही कंसोलिडेट होते हैं, जितना ही अपनी जगह बना लेते हैं, हमारी मेमोरी उतनी ही स्ट्रांग होती है। ओके फ्रेंड्स, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप बिना मेमोरी के ना तो अपने प्रेजेंट के बारे में सोच सकते हैं और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में कोई प्लान कर सकते हैं। और विदाउट मेमोरी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक रिटेन भी नहीं कर सकते, या किसी भी टॉपिक को आप लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपके सामने पेश करूँगी, वो डेफिनेशन मैटलिन की है, जो कि उन्होंने 2005 में दी। कि अकॉर्डिंग टू मैटलिन, मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। कि मेमोरी किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग पीरियड तक मेंटेन यानी बरकरार रखने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। दूसरी डेफिनेशन 1999 में स्टर्नबर्ग ने दी, कि मेमोरी इज़ द मीन्स बाय विच वी ड्रॉ ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन इन द प्रेजेंट। मेमोरी का मतलब होता है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जब अपने प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन के साथ एक ऑर्डर में यूज़ करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो मेमोरी है। इसके अलावा एक डेफिनेशन जो मैं आपके सामने पेश करूंगी, जो कि आपको इस स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, वो है कून एंड मिटरर 2007 की। यह डेफिनेशन बहुत ही छोटी है, लेकिन बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, जिसके बेसिस पे स्टेजेस ऑफ मेमोरी बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। ठीक, तो कून एंड मिटरर ने कहा कि मेमोरी इज द मेंटल सिस्टम that encodes, stores, organizes, alters and retrieves information. मेमोरी एक मेंटल सिस्टम है, एक कह सकते हैं कि मानसिक तंत्र है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, स्टोर्स करते हैं, उसको जमा करते हैं, संग्रहित करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, उसको दोहरा लेते हैं। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो वो मेमोरी है। इन डेफिनेशंस के बेसिस पे आपके सामने ये बात उभर कर आती है कि वो कौन से प्रोसेस हैं जो कि मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो थ्री प्रोसेस हैं, थ्री स्टेजेस हैं, थ्री स्टेप्स हैं, जो कि मेमोरी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है मेमोरी का, वो मेमोरी इनकोडिंग है। मेमोरी इनकोडिंग, मेमोरी के इस स्टेज में जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, या जब भी किसी लर्निंग मटेरियल को हम लर्न करते हैं, तो हम उसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उसे अपने तरीके से चेंज करते हैं, उसको अपने तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम उसे रिकॉल कर सकें। इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से इनकोड करेंगे, ये हमेशा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि आप लर्निंग मटेरियल क्या है, कैसा है। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसे देखकर उसकी इमेज के बेसिस पे उसे इनकोड किया जा सकता है, तो हम उसे विजुअली इनकोड करते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसे उसके साउंड के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो हम उसे उस अकॉस्टिक लेवल पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसकी मीनिंग को समझे बिना हम उसे मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे उसके मीनिंग को समझते हैं। यानी हमेशा इनकोडिंग थ्री लेवल्स पे होती है, विजुअल लेवल, अकॉस्टिक
कह सकते विजुअल लेवल, और दूसरी साउंड लेवल पे, और तीसरा जो एकॉस्टिक लेवल पे यानी साउंड लेवल पे, और थर्ड जो होता है सिमेंटिक लेवल पे। ठीक है, तो सेकंड जो जो सेकंड स्टेज है वो है मेमोरी स्टोरेज। जब इंफॉर्मेशन को हम अपने तरीके से इनकोड कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज हमारा आता है मेमोरी स्टोर्स। ओके, तो इस स्टेज में हम इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक अपने ब्रेन में मेंटेन रखते हैं, यानी अपने ब्रेन में बनाए रखते हैं। इस ये पीरियड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इसका पीरियड काफ़ी शॉर्ट है तो इससे एक तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और अगर लॉन्ग पीरियड तक किसी इन्फॉर्मेशन को हम अपने ब्रेन में मेंटेन रखते हैं तो वो या रिटेन रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में मेमोरी होती है। ठीक है, और थर्ड स्टेज जो होता है मेमोरी रिट्राइवर, ये वो स्टेज है जिसमें हम अपने ब्रेन में अपने माइंड में स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन को इन फ्यूचर क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। अगर हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते या उसका रिट्राइवल नहीं कर पाते तो ये माना जाता है कि उस इन्फॉर्मेशन की फॉरगेटिंग हो गई है। ठीक है, ये रहा स्टेजेस ऑफ मेमोरी। ये था आपके सामने मेमोरी का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे मेमोरी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।